फ्रेंड्स, मैं आपको एक काट करके दिखा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंग दाल के बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसकी मैं दो रेसिपी बनाई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। मूंग के दाल की आज मैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो मूंग दाल के आपने मगौड़े खाए होंगे, पकौड़े खाए होंगे, लेकिन आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो आपने आज से पहले कभी भी नहीं बनाया होगा। तो ये हमने आधा किलो ले ली थी मूंग की दाल, जिसे रात भर के भिगो करके रखा, इसके बाद इसे अच्छी तरीके से धो लिया। तो हमने लिया है छिलके वाली दाल, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो धुली वाली भी ले सकते हैं। अब ले लेना है एक मिक्सी का जार और उसमें दाल को डाल करके अच्छी तरीके से दाल को पीस लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी दाल को हमने इस तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हमें इसे फेंटना है, तो हमें इसे इस तरीके से फेंटना है अच्छे से। तो दाल को 3-4 मिनट हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और अब हमें इसमें डालना है कुछ बेसिक मसाले, जिसमें से आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, नमक थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही नमक डालना है इसमें। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। इन मसालों को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो पानी वाले आज मैं इसके बड़े बनाऊंगी, हमारे यहाँ इसे मुगौरा बोला जाता है, तो वही मैं आज बनाने जा रही हूँ। और इससे पहले हमने उड़द दाल के पानी वाले बड़े बनाए थे, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद दिल से। और इसी तरीके से अपना प्यार दुलार आप बनाए रखें। सारे मसाले मिल करके तैयार हो गए हैं, तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और हम बना लेते हैं पानी। एक बर्तन में आपको इस तरीके से पानी ले लेना है, इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, नमक हमने पहले ही डाला है, इसे नमक इसमें कम ही डालेंगे, थोड़ा सा नमक मैं और डाल रही हूँ इसमें। और इसे रख देते हैं साइड में और चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तेल गरम होने के लिए पहले ही हमने रख दिया था, तो मैं सरसों के तेल से बनाती हूँ। तो ये सरसों का तेल है, आप जो तेल खाते हैं वो वाला तेल ले सकते हैं। और अब हमें हाथों में इस तरीके से पानी लगा लेना है, इसके बाद इस तरीके से आपको छोटी छोटी सी लोई उठाना है और ऐसे ऐसे पतला करते हुए तेल में ऐसे डाल देना है। सावधानी से डालिएगा ताकि कहीं तेल ना उछल जाए आपके ऊपर। इसी तरीके से सारे हम पानी वाले मुगौरे बना करके तैयार कर लेंगे और इन्हें हमें अलट पलट करके अच्छे से पका लेना है। इस तरीके से थोड़ा पतला पतला ही बनाइएगा, ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा, नहीं तो पानी में जाकर के ये और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं फिर। तो इन्हें हमने अच्छी तरीके से अलट पलट करके पका लिया है और अब इन्हें निकाल लेना है इस तरीके से। अब ये जो हमने पानी बना करके रखा है इसमें डायरेक्ट डाल देना है, थोड़ा सा इस तरीके से पानी को हिला लेंगे और इसको डाल देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से सारे हम मुगौड़े को बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे हम पानी वाले बड़े, इनको आप बोल सकते हैं या मुगौड़े बोलिए, बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इतना हमने पानी में डाल दिया है और इतना बचा लिया है। अगर ज़्यादा है तो इसको आप रख सकते हैं और दूसरे दिन भी पानी में से डाल करके खा सकते हैं। तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर इस तरीके से दही बड़े बना करके खा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके दही बड़े कैसे बनाने हैं। तो पहले अच्छे से इसके पानी निकाल देना है, ये अंदर तक बहुत ही बढ़िया फूले हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दही में अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सादा ही दही इसमें डाल रही हूँ। और अब हमें इसमें डाल देना है इमली की चटनी। तो इमली की चटनी का भी वीडियो है हमारे चैनल पर पहले से। और ये आ गई हरी चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही बढ़िया दही बड़े बनकर के तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए,
चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके और पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।